हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक जिया गार्डनिंग। आज हम अपने गार्डन में फिर से नया कुछ बनाएंगे और ये सारे वेस्ट मटेरियल प्लांटर हैं जो मेरे पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखे होंगे। तो आज हम अपने गार्डन में फिर से कुछ वेस्ट मटेरियल से नई चीज़ जो है वो रेडी करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर में वेस्ट मटेरियल से नए नए प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मुझे चाहिए ये छोटी छोटी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती हैं 20-20 वाली, ये वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो थी मेरे पास काफ़ी इकट्ठी हुई थी, तो आज इनसे मैं कुछ जो है वो नया बनाऊंगी। और ये वाला जो ढक्कन आप देख रहे हैं इस तरीके से काटा हुआ, तो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो इसके नीचे के हिस्से का मैंने एक प्लांटर बनाया था, तो ये ऊपर का हिस्सा जो था वो बच गया था। आज इन्हीं दोनों से मैं कुछ नया प्लांटर जो है वो रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं इनका टैग जो है वो उठा लूँगी और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट काम जो है वो करूँगी। फिर इस तरीके से हम बॉटल्स को ऊपर की तरफ से काट देंगे, थोड़ा थोड़ा ही काटेंगे इस तरीके से जैसे मैं काट रही, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी बॉटल्स है तो इसका छोटा हिस्सा ही हम ऊपर की तरफ से काटेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी बॉटल्स को काट लेने हैं। सभी बॉटल्स को इसी तरीके से हम काट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इनमें कलर कर लेंगे, तो कलर के बिना तो कोई भी प्लांटर जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से सारे बॉटल्स पे मैं जो है वो कलर कर दूंगी, अलग अलग कलर जो है वो इन सब में कर लूंगी। फिर हम इस ढक्कन वाले पोर्शन को भी कलर कर देंगे और इसका ढक्कन जो है वो निकाल देंगे। और ढक्कन का हम यूज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे किया हमने अपने गार्डन में। तो इस तरीके से करने के बाद अब मैंने बॉटल्स पे भी सिंपल सा डिज़ाइन जो था वो बना लिया था। सभी बॉटल्स पे मैंने सेम डिज़ाइन जो था वो बना लिया था, इस तरीके से सारे बॉटल पर बना लिया। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट काम जो है हम करेंगे। इसी तरह से सारी बॉटल्स पे मैंने सेम डिज़ाइन जो था वो बना लिया था। और इसके बाद मैंने आउटलाइनिंग कर ली थी एक मार्कर के साथ, परमानेंट मार्कर है, और इससे मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग जो थी इन डिज़ाइन पे कर ली थी, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो ये सारी बॉटल्स जो थी वो मैंने रेडी कर ली थी। अब मैंने नेक्स्ट जो काम करना है, जो मैंने ऊपर का हिस्सा जो प्लांटर पहले का बनाया था, ये हिस्सा जो बचा हुआ था इसमें भी मैंने अभी थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन ऑलरेडी बना था, मैंने बस इसको हाईलाइट करना था। तो इस तरीके से मैंने व्हाइट कलर लेके इस डिज़ाइन को हाईलाइट कर लिया था। तो इस तरीके से आप लोग भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका जो नीचे का पोर्शन है उससे मैंने प्लांटर जो वो पहले बनाया था, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको भी देखना। अब मुझे ज़रूरत है इस तरीके के धागे की, ये बहुत ज़्यादा मजबूत धागा है, इस आसानी से नहीं टूटता ये। तो इस तरीके से मैंने सारी बॉटल्स पे इस तरीके से ये होल्स जो थे वो कर लिए थे। तो पतले होल्स ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटे मैं होल्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये बॉटल छोटी हैं और अच्छी नहीं लगेंगी, इसीलिए मैंने धागे का यूज़ किया था। अगर मैं इसमें मोटी वाली रस्सी डालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरीके से मैंने जो था धागा यूज़ किया था। अब धागा आप लोगों ने इस तरीके से डालना है कि एक बॉटल में छोटा डालना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से जो है वो आपने सारे बॉटल्स पर धागे डालने हैं। तो इस तरीके से करने के बाद अब मैं ये वाले पोर्शन पर भी होल्स करूँगी। इसमें मेरे 6 होल्स जो है वो हो गए थे, क्योंकि बॉटल मैंने 7 शायद कर ली थी बट इसमें 6 ही यूज़ हुई थी। और ऊपर की तरफ भी मैंने 3 होल कर लिए थे, क्योंकि इसको हैंग करना है, क्योंकि मैं बना रही हूँ स्पायरल हैंगिंग प्लांटर। तो इस तरीके से ये 3 होल भी मैंने कर लिए थे और इसको मैं ऊपर से चेन के साथ कर दूंगी। और ये जो मैंने धागे डाल के बॉटल्स रेडी किए, तो इस होल्स में डाल के अच्छे से इसको नॉट बांध देंगे। तो इसके बाद जो भी होगा वो आप देख।
इस तरह से सारी बॉटल्स को मैंने बांध लिया था और इस तरीके से ये स्पाइरल हैंगिंग प्लांटर जो था वो बनकर रेडी था। तो ये देखिए वेस्ट मटेरियल से मैंने कितना प्यारा है स्पाइरल हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर लिया था। बस इसमें अब मैं मिट्टी डालूंगी और इसमें प्लांट जो है वो लगा दूंगी, और सबसे पहले फिर ऊपर की तरफ मैं इसमें चेन लगा दूंगी क्योंकि मुझे इसको हैंग करना है। तो इस तरीके से चेन लगा दूंगी और इसको हैंगिंग प्लांटर जो है वो बना देंगे। तो इस तरीके से लगाने के बाद मैंने इसको बाहर जो था वो टांग दिया था, पहले ऐसे ही टांग दिया था, फिर मैंने इसको मिट्टी डाली थी, फिर उसके बाद इसमें पौधे जो थे वो लगा दिए थे। तो ऊपर का जो ढक्कन वाला हिस्सा था उसमें भी मैंने एक प्लांटर जो है वो रख दिया है क्योंकि वो इसमें फिट आ गया था बड़े अच्छे से और वो उसमें यूज़ हो गया और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से फिर इसके बाद मैंने प्लांट जो अब इसमें लगा दूंगी, मैं एक जैसे ही प्लांट जो है वो इसमें लगाऊंगी। और आप लोग भी इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो है अपने कबाड़ से फेंकना नहीं चाहिए, उनको यूज़ कर लेना चाहिए अपने गार्डन में। तो देखिए ये कितना प्यारा लग भी रहा है। और इस तरीके से मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग जो है वो सारों में लगा दी थी और देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे पौधे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो आप लोग भी इस तरीके से घर में वेस्ट मटेरियल का यूज़ करिए और अपने गार्डन में न्यू प्लांटर बनाइए। आई होप आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।